साहब, दादा रवि, कार्तिक सिंगर म्यूजिशियन कार्तिक, पीएम सुंदरम और पप्पू वेणुगोपाल, शशि किरण, रवि किरण ब्रदर्स जो विश्वमोहन भट्ट, पंडित विश्वमोहन भट्ट, ओएस त्यागराजन, जे वेंकट रामन और मन्नारगुड़ी ईश्वरन, मैंडलिन यू राजेश, कार्तिक टीएमके जो थिएटर एक्टर, रमेश प्रभा, तिरुवारूर वैद्यनाथन, आर रमेश मृदंगम विद्वान, नागई श्रीराम द वायलिनिस्ट एंड कुंभकोणम स्वामीनाथन. नमस्कार, दुरुस्त न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है. आज हमारे साथ हैं राधिका गणेश और आभा मुरलीधरन. ये दोनों ही एक्टिविस्ट हैं जो बहुत ज़ोर शोर से मीटू मूवमेंट को कॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा उससे बाहर जो क्लासिकल इंडस्ट्री है जिसमें म्यूजिशियंस हैं, जिसमें सिंगर्स हैं, इन सभी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है. इससे पहले कि हम इन दोनों से बात करें, मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा. अमिताभ बच्चन से नाम ये शुरू होता है, विनोद दुआ के पास जाता है, उसके बाद आप देखें तो वरुण ग्रोवर, उसके बाद ये लिस्ट लंबी होती जाती है. आलोक नाथ के साथ साथ गौरंग दोषी, नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, विकास बहल, उत्सव चक्रवर्ती, चेतन भगत, रजत कपूर, इसके बाद ये नाम बढ़ता चला जाता है, कैलाश खेर और न जाने और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं. इनको आप एलिगेशंस भी कह सकते हैं, इनको सच्ची घटनाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि दो तरह की कहानी बाहर आती है. एक वो लोग हैं जो हकीकत में यानी सच्चाई से लड़ रहे हैं, अपनी आप बीती लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. ये जो हिम्मत इन महिलाओं ने जुटाई है वो एक दो दिन की हिम्मत नहीं है, कई सालों की मुशक्कत और हिम्मत जुटाने के बाद आज ये महिलाएं हम सबके समक्ष हैं, हम सबके सामने आई हैं. तो राधिका जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं. हाल ही में जो भी आपके फेसबुक अपडेट्स थे उसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था वैरमुत्तु, कार्तिक सिंगर कार्तिक, और एक और कार्तिक हैं जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे और नाम हमारे पास आए हैं जिसमें कि रमेश प्रभा जो चुट्टी टीवी और ख़ुद को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, इसके बाद जे वेंकट रामन, ओ एस त्यागराजन, मन्नारगुड़ी ईश्वरन जो कि 70-80 साल से ऊपर के हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, और ये सभी काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते हैं कर्नाटक इंडस्ट्री में. ठीक है, सो जब आपको ये तमाम नाम जब सामने आए तो हाउ शॉकिंग इट वॉज फॉर यू? आई थिंक आई एम नॉट वेरी शॉक्ड, क्योंकि ये सभी अभी एक्सेप्ट करने लगे, इट्स एन ओपन सीक्रेट. तो हमारे लिए इट वॉज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, रादर सॉलम सेलिब्रेशन, क्योंकि हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष भी हैं इसमें और बच्चे हैं जो इस वायलेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स और सर्वाइवर्स बन जाते हैं, वो बाहर आएँ और उनकी बात रखें. पर इट इज़ नॉट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर देम टू स्पीक, क्योंकि हम जब सेक्सुअल हरासमेंट को देखते हैं उसमें समझने की ये बात है वो एक पावर स्ट्रक्चर के अंदर होता है. और एक पावर स्ट्रक्चर के अंदर ये अब्यूज़ जब होता है उससे बाहर निकल के आएंगे और बात करना बहुत मुश्किल है, और जिनको स्पेशली वो उसी लाइन में करियर बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये संभव ही नहीं है. ये जो नाम निकल के आ रहे हैं वो सारे बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं जो जिनको हम मानते हैं वो रोल मॉडल्स हैं और करियर गोल्स उनको गुरुज भी बोलते हैं. गुरुज हैं, रोल मॉडल्स हैं, हम सोसाइटी में बहुत जाने माने लोग हैं. स्पेशली जब हमने वैरमुत्तु जी के नाम डाला था बाहर और चिन्मयी ने उसको पहले उनका नाम उठाया, उसके बाद हमने भी उनको सपोर्ट किया है क्योंकि एनोनिमसली हमारे सामने बहुत सारे कहानियाँ निकल के आ रहे हैं. उसमें हमको ये समझ में आया जिन लोगों को हम तमिलनाडु में हमारे एक आइडेंटिटी के जो बैस्टियंस बनते हैं. सो वैरमुत्तु इज आवर आइडेंटिटी इन तमिलनाडु, और व्हेन हिज नेम कम्स आउट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, नॉट सरप्राइजिंग. राधिका, एक और चीज़ बाहर आती है जब वैरमुत्तु का नाम सामने आता है, कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं इट इज़ मोटिवेटेड बाई बीजेपी और सपोर्टेड बाई बीजेपी. एक तो ये सवाल बाहर उठ के आता है, दूसरा ये आता है चिन्मयी जिसका नाम आप ले रही हैं, उनकी शादी में उनको बुलाया गया, पिछले 10 सालों से 12 सालों से वो उन दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं. हर एक ऐसा ओकेशन है जहाँ पर वैरमुत्तु उनके घर पहुँचे हैं, हर एक ओकेशन में, और ये लोग उनकी ब्लेसिंग लेते हैं. आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ 10-12 सालों में कि आज चिन्मयी को अपना मुँह खोलना पड़ा, वो भी तब
जब बीजेपी के ही एक और लीडर हैं हमारे गवर्नर, उनके खिलाफ एक ऐसा ही एलिगेशन आया, तो लोग दोनों को मिक्स करके भी देख रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि ठीक है जो मीटू मोमेंट है ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए, बट ऐसा क्यों नहीं देख सकते हैं कि उस विषय को दबाने के लिए, गवर्नर के विषय को दबाने के लिए चिन्मयी को उकसाया गया कि आप बोलिए और ये शायद विषय दब जाएगा। और हकीकत भी यही हुई है कि वो विषय दब चुका है, बाकी विषय उठ चुके हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट टू थिंक ऑफ दिस वे, बट ये थोड़ा बहुत मूर्खतापूर्ण भी है, क्योंकि हमको ये समझने की बात है मी टू अभी शुरू नहीं हुआ है और वो एक साल पुराना है और अमेरिका से निकल के आया है और इट इज़ बिन सॉर्ट ऑफ बिन इन द सोशल सर्कल्स फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। और चिन्मयी इज अ वेरी वोकल पर्सन, ऐसे नहीं है दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम शी स्पोकन अबाउट सोशल इश्यू। और वायरमुत्तु एज अग्रीड as noticed is a Dravidian strong voice and for us people who work in the social sector we are also supporters of ideologies of Dravidianism or when I support Chinmayi I'm not doing it from the angle of political ideology or caste. Aur dusri baat isme hai that hum सभी को सोचने की ये बात है दैट व्हेन बीजेपी एक्यूजेशंस केम आउट वी इट इज बैलेंस्ड आउट बाय यू नो दिस एक्यूजेशंस फ्रॉम द अदर एंड, बट टुडे इज नॉट द टाइम टू सी दिस ऑन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फ्रेम। इसको हम जेंडर और सेक्सुअलिटी के डिस्कशंस और डिस्कोर्स में देखना चाहिए, जो डिस्कशंस अभी तक मार्जिन्स में ही हुआ है और पहली बार इसको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए एक मौका मिला था और चिन्मयी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। राधिका देखो, आभा के पास मैं आना चाहूँगा। आभा, ऐसा भी हुआ है इंडस्ट्री में, हमारी तमिल इंडस्ट्री में, जहाँ पर जिनका नाम है रमेश प्रभा, जो कि चुट्टी टीवी, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा चैनल है जिसको बच्चे ही देख पाते हैं और ये किड्स ओरिएंटेड चैनल है, कार्टून चैनल है। तो उसका एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है, रमेश प्रभा। ठीक है, सो जब बच्चों के साथ आप काम करते हैं, स्पेशली बच्चों का एक एनवायरनमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, तो वी वांट सम मैच्योर पर्सन। ठीक है, सो इस इंसान का जब नाम सामने आया तो आपका रिएक्शन क्या था? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग बट शॉकिंग था। जस्ट बाई रीडिंग द अकाउंट्स दैट यू नो एनोनिमस अकाउंट्स दैट वी हैव गॉट, यू नो द काइंड ऑफ द वेज इन विच लाइक हैरेसमेंट एंड अब्यूज कैन हैपन विद चिल्ड्रन एंड द ट्रॉमा दैट द चाइल्ड गोज थ्रू द एंटायर लाइफ, इट्स क्वाइट ट्रिगरिंग फॉर अस ऑल्सो टू रीड। सो दस हम जब देखते हैं इस मुद्दे को, जैसे चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज के बारे में जब इस मुद्दे को उठाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी दैट यू नो ये सिर्फ बात इस बात तक सीमित ना रहे, कि हमारे बीच के अंदर बात तक सीमित ना रहे, इसके बारे में हम बात करें और लोगों से बात करें, अवेयरनेस बढ़ाएं इसके बारे में। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में कॉग्निजेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें जब हमारे सामने सोसाइटी में निकल के आता है दैट देयर इज अ पीडोफाइल हु इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन, उसमें द लॉ इज वेरी क्लियर, द सोसाइटी कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, द पुलिस एंड जुडिशरी कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, देयर नीड्स टू बी नो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज नॉट ऑन द चाइल्ड, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में ही प्रूव हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और चीज मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा, ये जो मीटू मोमेंट शुरू हुआ, ठीक है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि जिसके साथ भी, जैसे अगर आप याद करें, हम सभी के साथ इंक्लूडिंग मी, हम सभी के साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमारी उम्र कुछ 4, 5, 6 साल, 10 साल होती है, तो इट इज़ अ मैन और अ वुमेन और अ गर्ल और अ बॉय, वो होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन एक एज के बाद जब हम प्रोटेस्ट करने के उसमें आ जाते हैं, हम सामने वाले को धमका सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और वो आदमी चुप हो जाता है। तो मी टू मोमेंट जब शुरू हुआ, इसको भी इसी तरह से देखा गया कि आज हम स्ट्रांग हैं और आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जितने भी ये सेलिब्रिटीज सामने आ रहे हैं ये केस फाइल करने में अभी भी संकोच कर रहे हैं? अभी भी काफ़ी लोग हैं जो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने की, मतलब वो जो हिम्मत होती है ना वो जुटा नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? वी टू मूवमेंट में एक फेसबुक पेज लिखना ही काफ़ी है, या फिर हकीकत में इन लोगों को, इन जैसे लोगों को हमें सज़ा भी दिलवानी चाहिए? आपको क्या लगता है? इसमें मूल बात ये है, ड्यू प्रोसेस हैज फेल्ड अस ओवर टाइम एंड टाइम एंड अगेन। तो ड्यू प्रोसेस में हिम्मत रखना बहुत मुश्किल है, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट पे नहीं है, बट एनी ड्यू प्रोसेस इन दिस कंट्री इज क्वेश्चनेबल। वो भी एक पावर स्ट्रक्चर है, इसलिए हिम्मत नहीं रखते हैं और उसमें बहुत समय बिताना पड़ता है, उसमें एफर्ट, मनी, सोशल कैपिटल सभी खर्च हो जाता है। तो फॉर अ वुमन हु इज बेयरली गेटिंग द सपोर्ट ऑफ हर ओन फैमिली, हाउ विल शी गो एंड फाइट इट इन अ पुलिस स्टेशन? राधिका, इसी के साथ मैं एक और सवाल आपके पास रखना चाहूँगा। जब हमारी बात हो रही थी तब कार्तिक जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके खिलाफ आपने मुझे एक बात बताई थी कि मेरे साथ, यानी आपके खुद के साथ और आपकी बहन के साथ, जो कि एक बहुत प्रचलित चेहरा है चेन्नई का, ठीक है, और कर्नाटक डांस, भरतनाट्यम डांस का, उनके साथ भी उस शख्स ने ऐसा किया और आप लोगों ने दबे मुंह उसको धमकाया और उससे बात करी और उसको डराया और वो डर भी गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ उसको उस समय आप बाहर लेके आए? ये वही शख्स है जिसने अब शायद अपोलॉजी पोस्ट भी किया है फेसबुक पे, हम दिखाएंगे वो आपको जी। हाँ, ये इसलिए हमारे सबके अंदर एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है, हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दैट दिस पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, क्योंकि ऑन द आउटसाइड कार्तिक इज नॉट अ बैड पर्सन, उनका बहुत हिज डिस्पोजिशन टू पीपल आर फेयरली नाइस, और वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत सोशल स्टैंडिंग और कैपिटल है। तो हमने सोचा ये एक मिस जजमेंट, और मिस जजमेंट इसलिए हुआ है दैट ही केप्ट सेइंग हिज मोडस ऑपरेंडी, हिज पैटर्न इज दैट ही क्लेम्स ही इज लोनली। तो उन्होंने कहा आई एम वेरी लोनली और मेरे लिए कंपेनियनशिप की ज़रूरत है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे यू नो क्लोज होना चाहता हूँ और इसलिए इनअप्रोप्रिएट फ्लर्टेशंस हुआ है, आई एम सॉरी। तो जब एक व्यक्ति ऐसे बोलते हैं और 40 उम्र के ऊपर हैं और आई वॉज हाफ यू नो आई एम क्लोज टू यू नो 15 ईयर्स यंगर देन हिम, सो फॉर मी इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ पिटी। तो मैंने सोचा पिटीफुल यू नो ही इज लोनली, तो हम उनको वॉर्न करते हैं। विथ माय सिस्टर इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि इट इज़ अ रेगुलर अकरेंस विथ हर अनफॉर्चुनेटली, यू नो एवरीबडी थिंक्स दे कैन टेक अ शॉट एट, यू नो इट इज़ दी सोसाइटल वायलेंस दैट इज एक्सेप्टेबल। इफ अ पर्सन इज एन एक्टर और अ पब्लिक फिगर यू आर वेलकम टू सोलिसिट हर, दैट इज वॉट माई सिस्टर वॉन्ट्स टू अटैक टूडे, इट्स नॉट लाइक दैट, शी इज ऑल्सो ह्यूमन, शी इज एंटाइटल्ड टू हर पर्सनल डिग्निटी, है ना। तो जब ये हुआ था हमने उनको, वी कन्फ्रंटेड हिम, वी वॉर्न्ड हिम एंड वी आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू हैव अ पैटर्न एंड परपेट्रेटेड ऑन अदर वुमेन। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव डेफिनेटली मेड इट पब्लिक, बिकॉज आज मुझे लग रहा है वो डिटरेंट है। आभा और राधिका दोनों से ही, जो आपका ये जो मुहिम शुरू हुई है, कुछ एक और महिलाएं मेरे ख्याल से आप लोग के साथ हैं, एक लॉस एंजलिस में भी हैं, चित्रा नामक नाम है उनका, वो भी काफ़ी वोकल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी संपर्क साधने की। तो आप सब लोग जो जुटे हैं, ठीक है, तो आपका जो एम्बिशन है लास्ट में, ओके, इस तरह से हम इन लोगों का नाम तो सामने लेके ही आ रहे हैं, इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि वो लोग ये चीज़ें करें जिससे कि और महिलाओं को सपोर्ट मिले और महिलाओं को एक संतुष्टि मिले कि हाँ यार किसी ने तो किया, मैं नहीं कर पाई, एटलीस्ट आप लोग कर रहे हैं। सो वो क्या है, आप लोग कहीं तो आप लोग इस चीज़ को या तो एक पॉलिटिकल एजेंडा देना चाह रहे हैं या फिर आप लोग इसको एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप इसको एक कोर्ट सूट फाइल करना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आखिर में आपका होगा क्या इसका?
थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. इट इज़ नॉट अबाउट जुडिशियल रिकोर्स, क्योंकि हर एक केस को उठाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है. उसमें एविडेंस का प्रूफ का ओनस सर्वाइवर पे होता है और दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हमारे लिए ये एक सोशल और पॉलिटिकल लड़ाई है. करेक्ट. आज के दिनांक हमारे लिए ऑल दीज इंडिविजुअल वन ऑन वन अकाउंट्स आर बिकमिंग अ टूल टू मोबिलाइज कलेक्टिव कॉन्शियंस. तो एवरी टाइम एवरी फ्यू डेकेड्स देर इज एन अवेकनिंग इन सोसाइटी. टुडे इज दैट अवेकनिंग. आज हम उठ रहे हैं और उठ के बोलना चाहते हैं दैट दिस इज एन इक्वल इक्विटेबल स्पेस. और उसके लिए हम एडवोकेसी, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड सेफ स्पेस प्रोविजन, ये तीन चीज को उठाना चाहते हैं. सो देखिए, यही हम सुनना चाहते थे कि आखिर ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी. जो आपने मुझे बताया, मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी एक बेटी है. आज समय ये है कि हम सभी को कलेक्टिवली रियलाइज़ करना चाहिए कि हमसे अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करें. ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, येस वी आर देयर, हम ह्यूमन हैं, हमसे गलती हुई है. आइंदा आगे से एक हर इंसान के मन में वो भय होना चाहिए, अगर मैंने ये किया तो साहब मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहू है, और शायद यही नीलामी उनकी भी समाज में हो सकती है. बट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आपसे. पिछले एक दो दिन से अपॉलोजी लेटर्स, चाहे पॉसिबली हार्ट फेल्ट अपॉलोजी लेटर्स, इंटरनेट में निकल के आ रहे हैं. के एन शशिकिरण जो बहुत जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने डाला है, और टी एम के कार्तिक, उन्होंने भी अपॉलोजी लिखा है. पर उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत मेरे लिए वल्गर हैं. वो कह रहे हैं रिस्पेक्ट फॉर यू और हम आपको सलाम करना चाहते हैं. आप दैट इज रॉन्ग. जो मैंने भी वो पढ़ा, मैंने जब देखा, आई फेल्ट रियली बैड. अरे रिस्पेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? एक इंसान ने, एक आदमी ने एक महिला को जो करना था वो कर दिया, उसके बाद आखिर में आप लिख रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, हम और हे पैट ऑन द बैक, और उसके पीछे आप उनको सल्यूट करें, सलाम करें. अरे तो हम इसलिए कहना चाहते हैं ये सलाम करने का बात नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट की बात है. वही मैंने आपको बताया ना, ये हमें सॉरी फील करना चाहिए अपने मन से, ये नहीं कि हम शाबाशी लें दुनिया की. ठीक है, ये सार ही नहीं था ना. मेरा ये कहना, हम सबसे गलती होती है, गलतियों का सॉरी बोलते हैं, दैट्स इट. और हमारा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है, हम विजिलेंस रखें. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, सो यही कोशिश थी कि हम लोग दिखाएं लोगों को कि हाँ, गलती हर इंसान से हुई है, लेकिन ये गलती दोबारा जब बार बार होती है वो क्राइम है. Absolutely. वो गलती नहीं है, वो क्राइम है. Absolutely. अच्छा, एक चीज जो निकल के आई है इस मूवमेंट से, एक समझ जो निकल के आई है, वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल अटैक नहीं है किसी इंसान पे या फिर किसी शख्स पे, वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उन पे अटैक नहीं है. बट देन एक दिस इज सोशल प्रॉब्लम, दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस. कि एक इंसान को अटैक करके उनको एक यू नो टुवर्ड्स प्यूनिटिव जस्टिस या फिर लॉ के, इट्स नॉट अबाउट दैट. देयर इज अ सोशल प्रॉब्लम एंड एक, जैसे राधिका ने बताया है, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये समाज हमारा है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है. और उसको कैसे ठीक करे वो हमें देखना है. देखो, 70-72 साल हो गए हमारी आज़ादी के, आज भी चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ हम लोग स्ट्रांग खड़े नहीं हो पाए हैं, ये हकीकत है. चाहे आप कश्मीर की आसिफा का नाम लें, या फिर दिल्ली की निर्भया का नाम लें, या फिर अभी हाल ही में चेन्नई में कुछ एक 7-8 साल की बच्ची थी जिसके साथ 22 दरिंदों ने दुष्कर्म किया. ठीक है, ये तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पब्लिकली बाहर आए हैं. ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहां पर उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनको जान से मार दिया जाता है, वो बच्ची बोल नहीं पाती उसके साथ हुआ क्या. ये सिर्फ बच्चियों के साथ ही नहीं, आप जैसे उम्र के बड़े जो अडल्ट्स हैं उनके साथ भी होता आ रहा है. लेकिन आज तक हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग लॉ क्यों नहीं फॉर्म कर पाया है? ऐसे भी हमारे देश में मुलायम सिंह जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लड़का है, जवान है, हो जाता है. यू नो दिस वाज अ स्टेटमेंट. ठीक है, लड़का है, जवान है, हो जाता है. वही लड़का, जवान लड़का अगर आपके घर में बहू बेटी के साथ कर दे, क्या तब भी आप यही रिप्लाई देंगे? हाँ,
होता भी है, तो उनके उनके हाँ, परिवारों के अंदर भी होता है, जहीं पे सी ये मिसोजिनी और पेट्रियार्कल सोसाइटी के एक डूम है. तो और लॉज स्ट्रॉन्ग है अभी, लॉज इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन एकदम वीक, इसलिए है क्योंकि हमारा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसोजिनी ऑफ अब्यूज ऑफ हरासमेंट इज वेरी 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 क्राउडेड. एक हाल ही में हमने एक रिपोर्ट दर्ज करी थी अपने चैनल में, जहां पर 135,000 रेपिस्ट आज भी जेलों में हैं, जिनमें की किसी को भी सजा नहीं मिली है, वो अपने आराम से अंदर हैं. आप मुझे ये समझाइए, अगर 130,000 रेपिस्ट जेल में ही हैं, तो उसके अलावा कितने बाहर घूम रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जिनको सजा सुनाई गई है, ठीक है, और ऐसे कई हैं जिनको जो बेल में बाहर घूम रहे हैं. और लेस देन 19% ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अब्यूज एंड रेप केसेस गेट रिपोर्टेड, ठीक है. सो ये भी एक फैक्ट है, चाहे वो 5 महीने का बच्चा हो या फिर 90 साल की बुजुर्ग हो, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया टुडे, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. जब हम लोग छोटे थे, हम लोग सड़कों पर खेलते थे, लड़की लड़का सब खेलते थे, कोई फ़र्क नहीं था, 9 बजे तक खेलते थे. आज मैं अपनी बेटी को किसी के घर भेजना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि उसको सड़क पर खेलने, दो आई वॉन्ट हर टू गो एंड प्ले आउट, राइट, वो नहीं है. सो इस चीज़ को अगर हमें सुरक्षित करना है, इस चीज़ को हमें भरोसे में लेके आना है कि हाँ सारे बच्चे सुरक्षित हैं, दोबारा से वो 90s 80s वापस आएगा तो वो कैसे आएगा? कुछ आपने सोचा इसके बारे में? आई थिंक ये एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की बात है, और हमारे लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ डिसाइड ऑन वॉट वी आर कंज्यूमिंग एज कल्चर इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इट एज कल्चर. जैसे जो कंटेंट हम टीवी में दिखा रहे हैं, जिस जो कंटेंट YouTube और WhatsApp में हमको मिल रहा है, बच्चे उसको देखते हैं, अडल्ट, देर इज नो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बट टू कंज्यूम द कंटेंट दैट कम्स ऑन योर फोन और कम्स ऑन योर TV. इस कंटेंट को इतना रिलैक्स्ड और अनविजुअल हम इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट करते हैं. माई क्वेश्चन इज टू द ऑफ दिस कंटेंट. तो आपके जो पब्लिक पर्सनालिटी और मास मीडिया में जो लोग हैं, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी में, दैट यू प्रोवाइड द पॉपुलर ओपिनियन, है ना. तो इट इज़ अबाउट, इट्स द क्वेश्चन अबाउट क्रिएटिंग दैट कल्चर, रिक्रिएटिंग द कल्चर. वी डोंट हैव एनी गुड लिटरेचर एनी मोर, ऑल द लिटरेचर इज ऑल्सो श्राउडेड विद वायलेंस, है ना. तो इट्स अ पावर हंग्री वर्ल्ड. तो रवि किरण की बात करते हैं. रवि किरण का नाम एक बड़ा नाम है दोबारा से एक हॉलीवुड इंडस्ट्री में. इन्होंने अपोलॉजी, मेरे ख्याल से शशि किरण ने अपोलॉजी लिख दिया है, रवि किरण ने अभी तक नहीं लिखा है. उनका बिहेवियर और उनका रवि किरण ने एक बहुत इंटरेस्टिंग, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज बिल्कुल नहीं किया. ही इज अब्सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑफ ऑल थिंग्स और उनको खुद कह रहा है दैट आई एम अ वेरी ग्रेट विद्वान, आई एम अ वेरी ग्रेट गुरु, आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव कॉस्ट अस्पर्शंस, और उन्होंने मुझे बुलाया दैट यू आर अ सूर्पनखा. और उसमें उसमें सिर्फ पावर और कल्चर की बात नहीं है, उसमें जातिवाद है, सेक्सिज्म है, जेंडर्ड यू नो अब्यूज है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मिसोजिनी है, सब कुछ जो इस समाज में गलत है वो सब उसी एक छिट्टी में उन्होंने खिचड़ी बना दिया. सो ये जो लोग हैं, जैसे मैंने शुरुआत में नाम लिया था, जय वेंकटरामन, ओ एस त्यागराजन और मन्नारगुडी ईश्वरन, मेरे ख्याल से इनमें से एक तो मृदंगम विद्वान भी हैं, है ना, मन्नारगुडी ईश्वरन. तो जब आप इन जैसे लोगों को देखते हैं, इनकी उम्र ही कुछ 70 साल से ऊपर है, 70-80 साल के हैं, और हजारों लोग जो हैं इनके द्वारा शिक्षा ले चुके होंगे, है ना, और ऐसे कई भी विद्यार्थी होंगे इनके जो नहीं बोल पाए, और जो कुछ बोल पाए उनके खिलाफ इन लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है. सो आई एम श्योर एक इतनी उम्र तक अपनी अकड़ दिखाने वाला इंसान आज झुकेगा नहीं. तो आज ये लोग, इन लोग का जो रिएक्शन है आप लोगों की तरफ, वो कैसा है? वो सारे अंडरग्राउंड जा चुके हैं. अच्छा. और वो US में टूरिंग के लिए जा रहे हैं अभी. हमारे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स और पेट्रन्स हैं वो सामने आए और वो कहें हम इनको आज से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि
दैट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर फॉर देम. और ये लोग अभी जा चुके अंडरग्राउंड, नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक दे हैव पेजेस ऑन फेसबुक, बट दे आर नॉट द वंस ऑपरेटिंग करेक्ट. तो और एक इंसिडेंट ऐसे भी हुआ है, किसी ने मन्नारगुडी ईश्वरन साहब के जो पोते थे उनको टैग करके बोला, देन वी अपोज्ड इट, वी सेड वी कांट शेम वन पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ अनदर. सो आई डोंट इवन नो इफ दे आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड एट एनी लेवल. इसलिए हमने उनको चिट्ठी भेज रहे हैं, आप प्लीज़ आइए 21 तारीख को जो हमारा पब्लिक हियरिंग और कंसल्टेशन होने वाला है उसमें आप आइए, और आपको सामने हम दिखाएंगे जिस तरह के एक्यूजेशंस आपके बारे में आया है और उसके प्रूफ जो है. ये 14 साल की बच्ची थी, वो गई थी तंबूरा बजाने के लिए किसी एक विद्वान की कचहरी में, और वहीं पे मन्नारगुडी ईश्वरन साहब मृदंगम विद्वान थे और बजा रहे थे. ग्रीन रूम में उस बच्ची के साथ उन्होंने इतना बदतमीज की से यू नो बिहेव किया है. ही बिहेव दैट द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, शी इज अ माइनर, हैज कम आउट ऑलमोस्ट इन टीयर्स सेइंग आई वाज इनकेपेबल ऑफ सेविंग माय लिटिल लिटिल सिस्टर फ्रॉम इट, आई फील सॉरी एंड आई वांट टू कॉल हिम आउट. तो एंड ये बदतमीजी को हम हैरेसमेंट नहीं समझते हैं. ये पेरेंट्स भी नॉर्मलाइज करते हैं, कहते हैं मामा है और गुरु है, ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप छोड़ दो. पिंचिंग अ यंग गर्ल्स हिप इज नॉट मजाक. क्या जो इस पूरे मुद्दे को पिछले कई सालों से हम उठाते आ रहे हैं बिफोर मी टू मोमेंट, ठीक है, हमारा चैनल बहुत आउटस्पोकन था इन सब चीज़ों के लिए, और आज हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम आप लोग के साथ जुड़े हैं. कहीं एक छोटी कोशिश है कि आपकी जो बात है ये और दुनिया में पहुंचे. इसके अलावा मैं एक आखिरी सवाल के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगा, इस पूरे कॉन्वर्जेशन को. जो कॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में भी काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं. जो आप लोगों ने मुझे ये बताया था कि राहुल 70-80% जो क्लासिकल इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, जिनको हम बहुत भव्य मानते हैं, जिनका बहुत रुतबा होता है, बहुत इज्जत होती है, आज उन्हीं के नाम इस तरह से जब बाहर आते हैं, यू बीइंग इनटू एन एक्टिविस्ट एंड यू आर लाइक आपका जो सराउंडिंग है, आपकी खुद की सिस्टर जो हैं एक क्लासिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, आपकी सिस्टर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, या फिर आप ऐसा क्या चेंज लेके आना चाहती हैं जो आने वाला जो जनरेशन है, आज भी कई सारे बच्चे कर्नाटक शैली की तरफ प्रभावित हैं जो सीख रहे हैं, वो एक सेफ एनवायरनमेंट उनको मिले, उन लोग को इतनी आज़ादी मिले कि वो जो उनके क्लास में हुआ या फिर जो भी उनके गुरु ने कहा किया वो सामने आ सके. उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ये दूसरी बात है, कम से कम वो बच्ची तो कम से कम सामने आए. और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या जहाँ पे लोग आपको फ़ोन कर सकें या फिर ईमेल कर सकें और आपको बोलें कि वी नीड हेल्प? जी ज़रूर, हमने आज वही कैंपेन शुरू किया है. हम एक डेटाबेस कलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इस 21 तारीख को जो पब्लिक हियरिंग में हम केस स्टडीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं, उस केस स्टडीज़ कंपाइलेशन के लिए हम एक मैसेज बाहर डालना चाहते हैं. इफ़ यू आर अ सर्वाइवर ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ और हरासमेंट, प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस योर स्टोरी. We will assure you complete security, anonymity if you wish so, and any and all support. Chahe wo legal, chahe wo medical or social support, we are there to support you. Second thing is, जहाँ हम बैठे हैं ये रंगमंदिरा स्कूल मेरी बहन की डांस एंड म्यूजिक एकेडमी है, यहाँ से हमने शुरू किया है दैट देर इज़ अ प्लेज टू मेक दिस अ सेफ एनवायरनमेंट. वी आर आस्किंग एवरी गुरु, एवरी सभा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटरटेनमेंट एजेंसी टू पुट आउट नोटिस सेइंग दिस इज़ अ सेक्शुअल हैरेसमेंट नो टॉलरेंस जोन, एंड वी आर आस्किंग देम टू फॉर्म इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज टू टेक अप कंप्लेंट्स and ensure quick redress of such things. And children must be assured a safe environment. All inappropriate behavior is no tolerance. मैं चाहूँगा चलते चलते आप वो लिस्ट एक बारी पढ़ दें जो आपके पास है, जो कि ये वो लोग हैं जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं, इन तक पहुँची हैं, कुछ 15-16 नाम हैं मेरे ख्याल से. तो मैं चाहूँगा राधिका ये पढ़ें, और अगर हो सके तो
छोटे में एक सारांश इनका दे सकें कि ये लोग कौन हैं, और इन लोगों में अगर कोई बड़ी कहानी है जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली जिसने हरास किया है, तो उसका नाम आप खोल के बोल जी, सकते हैं। सबसे बड़ा नाम और पहला नाम है वैरमुत्तु साहब का, ओके, और वो जाने माने लेखक हैं, लेखक हैं, और राधा रवि जो फिल्म एंड टीवी एक्टर और हैज बीन इन द मैनेजरियल पोजीशन ऑफ द नडिगर संगम, ओके, जो तमिलनाडु का यूनियन है, उसके काफी बड़े पद में भी ये रह चुके हैं। कार्तिक सिंगर म्यूजिशियन कार्तिक, वो भी बहुत यूथ आइकॉन माना जाते हैं, और उनका तो बहुत विचित्र तरीके कहानियां निकल के आ रहे हैं, उनके पीपल ही नोज वेरी वेल हैव कम आउट एंड स्पोकन। बीएम सुंदरम और पप्पू वेणुगोपाल राव, दोनों बहुत जाने माने म्यूजिकोलॉजिस्ट और क्लासिकल इंडस्ट्री के सबसे बड़ा स्कॉलर्स माना जाते हैं। शशि किरण रवि किरण ब्रदर्स जो म्यूजिशियंस हैं, सो चित्रवीणा रवि किरण, विश्वमोहन भट्ट, पंडित विश्वमोहन भट्ट जो मोहन वीणा का कलाकार है, विद्वान है, ओ एस त्यागराजन, जे वेंकट रामन और मन्नारगुड़ी ईश्वरन, तीनों बहुत बुजुर्ग और यू नो विद्वान लोग हैं। मैंडलिन यू राजेश जो मैंडलिन यू श्रीनिवास, द मोस्ट रिवियर्ड आर्टिस्ट इन द साउथ ऑफ इंडिया, उनके भाई हैं। कार्तिक टीएम के जो थिएटर एक्टर, रमेश प्रभा, आई थिंक ही आई विल पुट अ स्टार नेक्स्ट टू हिज नेम बिकॉज ही इज अ पीडोफाइल, ही इज बिन अक्यूज ऑफ पीडोफीलिया, सॉरी। तिरुवारूर वैद्यनाथन हु इज अ विद्वान अगेन, आर रमेश मृदंगम विद्वान, नागई श्रीराम द वायलिनिस्ट, एंड कुंभकोणम स्वामीनाथन हु इज ऑल्सो मृदंगम विद्वान। देखिए साहब, ये वो लोग हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं, और इनके पास तमाम वो बच्चे जाते हैं, तमाम वो पेरेंट्स हैं जो इन पे भरोसा करके अपने नन्हे बच्चों को इनके पास भेजते हैं कि ये एक तालीम हासिल करें, एक विद्या जो है जो इनके पास है वो इनसे सीख सकें। लेकिन जब हम इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं तो शायद ये भय और ज़्यादा हो जाता है, जिस जगह को आप एक भरोसे वाली जगह समझते हैं वो अब नहीं रही है, सुरक्षित नहीं रही है। ऐसा नहीं है हर जगह सुरक्षित नहीं है, ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे स्वर्णमाल्या जी का ये एक स्कूल है, और भी कई लोग हैं जिन टीएम कृष्णा सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बोला था, बहुत स्ट्रांगली, और उन्होंने कहा वी विल नॉट सपोर्ट एनी आर्टिस्ट अंटिल दे आर प्रूवन कम्प्लीटली। सो ऐसे भी कई स्कूल्स हैं, ऐसे भी कई गुरुज हैं जो खुल के उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, अपने जैसे आपके बच्चे घरों में सुरक्षित हैं यहाँ पर भी सुरक्षित हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से पूरा समाज खराब होता है। हमारी ये अपील है, अगर आपके साथ कुछ भी इस तरह की घटना घटी है, अगर आप बोल सकें तो आप हमारे पेज पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर राधिका को आप, राधिका गणेश को आप फेसबुक पे, उनका हम लिंक भी डालेंगे, आप उनको जाके संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप नहीं खुल के आ सकते हमारे पास या फिर राधिका के पास, आप कृपया करके अपने फेसबुक प्रोफाइल को या फिर व्हाट्सएप प्रोफाइल पे मी टू का एक काफ़ी सारे आजकल फोटोज़ आ गए हैं वो लगा सकते हैं, ताकि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया हो और जब वो देखेगा उसके मन में वो भय आ जाएगा कि हाँ शायद अगला नाम मेरा है, ठीक है, शायद अगला नाम मेरा है। और ये जो भय है यही हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमारी ओर से यही मुहिम रहेगी कि हर लड़की हर महिला हर बच्ची सुरक्षित महसूस करे, और वो जो डर जो अभी जो क्रिएट हुआ है मीटू मूवमेंट के बाद वो और ज़्यादा ताकतवर बने, वो और ज़्यादा बलवान बने, ताकि ऐसे जो दरिंदे जो घूमते हैं खुलेआम और उनको ये लगता है कि हमारे खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके मन में डर बने। हमारा जो पूरा टीम है वो आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। 21 तारीख को भी हम आप लोग के पास आएंगे, और वो तमाम बातें जो आप लोग कहेंगे वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मुझे, मैं कहना चाहती हूँ कि हम इस मूवमेंट के जरिए से एक चीज़ ये है कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको सामने आके जो ट्रॉमा है वो सामने ला रहे हैं। करेक्ट।
उसके साथ हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई शोषण होता है, हम जिनके ऊपर शोषण होता है उनसे हम बात करते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप यहाँ पे ना जाएं, लेकिन हमारा जो एफर्ट ये भी होना चाहिए कि जो शोषण करते हैं उनसे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक मी टू मूवमेंट ने वो एक दरवाज़ा खोल दिया है कि हम जो शोषण करते हैं उनसे बोलें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो जो समाज है वो ये स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज जागरूक है, समाज बोल रहा है, समाज ने हल्ला बोल दिया है। तो बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम वीडियो मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। नमस्कार। इफ यू आर सीरियस अबाउट रीचिंग अ हाई क्वालिटी ऑडियंस, स्पॉन्सर और एडवर्टाइज विद अस, कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन 8939511887 or write to us at info.theroosternews@gmail.com.